वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। आज हम BSc फर्स्ट ईयर का जो हमने यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है, थर्ड यूनिट, ओके, तो उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बर्नौली पर मैं सबसे पहले अपन इसकी क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को कवर करते हैं। क्या जब कोई अशयान, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, जब कोई अशयान व असंपीड्य बल द्रव या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यदि गैस या द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है या उनका जो प्रवाह है वो धारा रेखीय हो, तो उनके मार्ग पर प्रत्येक पॉइंट पर, यानी उनके मार्ग पर प्रत्येक पॉइंट पर एकांश आयतन की कुल ऊर्जा, जो उसके वॉल्यूम की जो टोटल एनर्जी होगी, वो दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो कहने का मतलब मैथमेटिकल रिलेशन दाब, ओके, हाफ दाब और हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच क्या रहती है मेरे पास, कांस्टेंट नियत रहती है। ओके, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहां पर एक फिगर बनाया है। फिगर के अंदर एक्स और वाई एक पाइप के सिरे हैं, एक्स व वाई एक पाइप के सिरे को निरूपित किया गया है, जहां पर h1 ऊंचाई पर x सिरा व h2 ऊंचाई पर y सिरा है। ओके, और उसका जो एरिया है, एरिया a1 व a2 और वेलोसिटी जो है, वेग है, वो v1 वे v2 से धारा रेखीय प्रवाह के अंदर बह रहा है। ओके, यहां देखिए द्रव व गैस के लिए हमारे पास जो दाब ऊर्जा P, जो हमने यहां पर इक्वेशन लिखी है, जो हमने यहां पर डायग्राम बनाया है, आपने वही लैंग्वेज क्या लिखनी है, यहां पर प्रदर्शित करनी है, लैंग्वेज के रूप में आपने लिखना है। ओके, तो यहां पर देखिए जो मेरे पास ऊंचाई है वो पृथ्वी तल से मेरे पास क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो आपने यहां पर लैंग्वेज में किस तरीके से लिखना है, और दाब ऊर्जा यहां पर लिखना है एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा पी व गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्केयर व स्थितिज ऊर्जा रो जी एच व पृथ्वी तल से h1 व h2 ऊंचाइयां है। ओके, तो यहां पर हमने जो बातें कंसीडर की वही हमने लैंग्वेज के रूप में यहां पर लिखी है। ओके, और यहां पर देखिए रो क्या है, घनत्व है, वी वेग है, ओके, एच क्या है, ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। माना एक्स व वाई सिरे पर क्या है, धारा का वेग, यानी तरल का धारा रेखीय प्रवाह है। ओके, तो मैं यहां लैंग्वेज में ना लिखकर आपको डायरेक्ट बता दिया कि इस फिगर के अंदर एक्स व वाई सिरे हैं, पृथ्वी तल से h1 व h2 ऊंचाइयों पर स्थित एक पाइप का जो होल है। ओके, a1 व a2 क्या है, मेरे जो एरिया है, a1 a2 क्षेत्रफल है, v1 v2 वेग है, वही के वही बात आपने यहां पर स्टार्ट करनी है। ओके, वही की वही बात आपने यहां पर स्टार्ट करनी है। ओके, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इस स्टेटमेंट को अपन प्रूफ करेंगे किस तरीके से हमारे पास दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व मेरे पास जो गतिज ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहती है। अपन इस डेरिवेशन को बड़े ही आराम से, बड़े ही शालीनता से इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो बातें आपने कंसीडर की है फिगर के अंदर, आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। ओके, तो एग्जाम में नंबर जो है आपके इसलिए काटे जाते हैं
कई कई विद्यार्थी ये आपके मन में शंका रहती है कि सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मेरे 5 में से 5 मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न है वो आपने सही प्रॉपर नहीं किया होता। आप बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चलें, बड़े प्रॉपर ढंग से चलें, डायग्राम के बारे में बताएं, फिगर के बारे में बताएं कि फिगर कौन सा है, किस तरीके से हमने एक्स वाई सिरे लिए हैं कि और द्रव का प्रवाह कहाँ पर किस सरी पर है। ओके, अब देखिए, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं द्रव का प्रवाह एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर वी वेग से गतिशील है। ओके, तो यहां पर एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर v1 वेग से क्या है, गतिशील है। ओके, और v1 दूरी को पार करता है, क्या है। अब यहां पर देखिए सेकंड जो टाइम की बात करूंगा मैं, एक सेकंड में पार करता है, क्या करता है, द्रव पार करता है। अब एक सेकंड में द्रव को पार किया मैंने, अब वाई सिरे से जो निकला है, अब वाई सिरे से जो द्रव होगा वो एक सेकंड में v2 क्या है, वेग को पार करेगा। ओके, तो ये आपने बात को कंसीडर करना है, ओके, अब देखिए x सिरे पर, अब मैं बात कर रहा हूं कौन से सिरे की, x सिरे पर p1 दाब होगा, x सिरे पर क्या होगा, p1 प्रेशर होगा, क्योंकि हमने p1 दो सिरे लिए तो दोनों सिरों पर अलग अलग क्वांटिटीज होगी, तो लगने वाला दाब, जो लगने वाला जो बल होगा, फोर्स क्या होगा, F बराबर PA या दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और यहां पर बल बराबर क्या होगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो यहां पर दाब क्या हुआ, हमारे पास बल क्या हुआ, बल हुआ F1 P1A1, और P1A1 क्या है, A x सिरे पर लगने वाला दाब, और A क्या है, क्षेत्रफल है, किस कौन से सिरे पर, x सिरे पर। आपने बड़े ही आराम से करना है, मुश्किल नहीं है, इजी है। ओके, अब यहां पर हमने F1 को कैलकुलेट किया, अब देखिए एक सेकंड के अंदर, अब हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर द्रव का एक्स नली में प्रवेश, यानी एक्स सिरे में प्रवेश करने में किया गया कार्य, अब हम वर्किंग की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे, एक सेकंड में एक्स सिरे पर क्या होगा, एक्स सिरे पर द्रव प्रवेश करने में किया गया कार्य, तो W1 किस तरीके से आएगा, कार्य क्या होगा, बल इंटू विस्थापन कह दें या बल इंटू दूरी कह दें। ओके, तो बल इंटू दूरी, और बल कितना लगा मेरे पास, F1, और दूरी कितनी है, दूरी कह दें V1। ओके, दूरी हमारी जो होगी वो V1 होगी, तो यहां से W1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, W1 होगा, F1 की वैल्यू रखें आप, F1 क्या है, P1A1। ओके, क्योंकि F1 P1A1 है, तो P1A1 V1। ओके, समीकरण नंबर फर्स्ट मेरे पास प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, एक सेकंड में वाई सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव में किया गया कार्य कितना होगा। ओके, तो इसी तरीके से हम W2 कैलकुलेट करेंगे, W2 क्या होगा, F2 into V2, तो यहां पर P2 A2 और V2, ये होगा मेरा वाई सिरे पर किया गया कार्य, समीकरण नंबर सेकंड। और F2 कैसे कैलकुलेट किया, वाई सिरे पर लगने वाले बल का मान। ओके, अब देखिए, अब एक सिरे पर, अब हम टोटल वर्क का कार्य करेंगे कि एक्स व वाई सिरे पर कितना टोटल वर्किंग हुई है हमारे पास। तो एक्स व वाई सिरे पर कुल, या इसे कह दें नेट किया गया कार्य, कुल कार्य कितना किया गया, W1 माइनस W2, ये क्यों किया गया, देखिए
पहले वाले सिरे में जो वर्किंग होगी वो सेकंड वाले वर्किंग सिरे को पहले वाले वर्किंग में से सेकंड वाली वर्किंग को हटा दे तो मेरे पास क्या होगा, टोटल वर्किंग प्राप्त होगी। टोटल वर्किंग प्राप्त होगी तो क्या होगा, P1 A1 V1 माइनस P2 V2 A2। ओके, तो ये समीकरण नंबर हमारी बनी थर्ड, समीकरण नंबर बनी थर्ड। ओके, समीकरण नंबर हमारी, सॉरी यहां पर समीकरण नंबर आप एक लिख लीजिए A, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होंगे आप। ओके, अब देखिए, अब हम बात करें, अब यहां तक हमने वर्किंग को कंप्लीट किया है कि हमारे पास एक्स व वाई सिरे पर जो धारा रेखीय प्रवाह है, जो द्रव का प्रवाह है, उसकी वर्किंग क्या है। ओके, तो उसका कार्य हमें पता है। अब सेकंड बात देखिए, आप यहां पर सेकंड बात देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एश्यान द्रव व एसपीडीय द्रव के लिए, एसवान द्रव व एसपीडीय द्रव के लिए प्रति सेकंड जो श्यान बल होगा, यानी जो प्रति सेकंड मेरा श्यान बल होगा वो ρ1V1 इज इक्वल टू ρ2V2 क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है, ρ1V1 ρ2V2 इज इक्वल टू m/ρ, ये मैंने एक कांस्टेंट माना है m/ρ। ओके, तो यहां पर आपने क्या करना है, आपने सांतत्य समीकरण का यूज करना है, समीकरण नंबर बी। सांतत्य समीकरण क्या कह रही है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि असंपीड्य द्रव के लिए क्षेत्रफल और घनत्व जो होगा वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां तक की हमने बात को क्या किया, कंसिडर किया। अब वैल्यू बी को, इक्वेशन बी टू इक्वेशन ए, यहां से B का मान A में रखने पर, रखिए आप, W बराबर क्या आएगा, यानी द्रव का कुल किया गया कार्य कितना होगा, कितना होगा, P1 - P2 m/ρ। ओके, यहां से P1 - P2 आएगा, A1 V1 और A2 V2 को हमने क्या माना है, m/ρ माना है। तो ये समीकरण नंबर हमारी हुई यहां पर सी, समीकरण नंबर हमारी प्राप्त हुई सी, समीकरण को हमने क्या किया, प्राप्त किया। ओके, तो तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी, कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमें दाब ऊर्जा निकालनी है, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर स्थिति ऊर्जा निकालनी है। यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ जाए, एक कांस्टेंट आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि असंपीड्य द्रव के लिए यदि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक द्रव को पहुंचाना हो तो हमारे पास दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमें यह प्रूफ करना है। ओके, आपको स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेशन बताया, और हमारा जो कार्य है ये दाब ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो हम इसको क्या कह देंगे, समीकरण जो सी है वो दाब ऊर्जा के रूप में कंसीडर हुआ। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया, दाब ऊर्जा को कंसीडर किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, गति ऊर्जा की। देखिए, गति ऊर्जा किस तरीके से हमारे पास कंसीडर होती है। ओके, तो नली में एक सेकंड की बात करूंगा कि नली में एक सेकंड या पाइप में एक सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव की जो काइनेटिक ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या होगी, ½m1v1² ओके, ½m1v1² ओके, तो ½m1v1² है, और यहां पर m जो है, द्रव्यमान जो है वो सेम रहता है, और एक सेकंड में बाहर निकलने वाली, अब देखिए प्रवेश करने में बाहर निकलने वाले द्रव में फर्क है, क्या है, डिफरेंस है। देखिए आप, अभी बताते हैं आपको, v2² अब यहां से द्रव क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, एक्स सिरे पर प्रवेश करेगा, वाई सिरे पर क्या होगा, बाहर जाएगा, यानी एग्जिट होगा। तो मैंने वही लिखा कि प्रवेश करने वाले गति ऊर्जा m1v1² और क्या हो, यहां पर बाहर निकलने वाले द्रव की क्या हो, या निर्गत निकलने वाले द्रव की क्या हो,
गतिज ऊर्जा इतनी हो, और हमें कुल गतिज ऊर्जा निकालनी हो, कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी मेरे पास, हाफ एम। अब देखिए हाफ एम वी टू स्केयर यानी वाई सिरे से वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर, ओके। तो ये मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हमने कंसीडर की इक्वेशन नंबर डी। कौन सी इक्वेशन हुई मेरी, इक्वेशन नंबर सी, ओके। अब देखिए अब हम बात करें नली के एक्स सिरे की, नली में एक्स सिरे में एम द्रव्यमान व एच वन ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, एच वन ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा एम जी एस। और स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, द्रव्यमान गुरुत्वीय बल और ऊंचाई के इक्वल। और यहां पर एक्स सिरे पर मेरे पास क्या है, देखिए एक्स सिरे पर, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप, हम जब भी सब्जी बनाते हैं या हम कोई भी डिशेस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सामग्री होनी आवश्यक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एम जी एच का फॉर्मूला है और एक्स सिरे पर हमें पता है कि एक्स सिरे पर क्या होता है, एक्स सिरे पर मेरे पास ऊंचाई एच वन है और ए वन क्या है इसका, ए वन इसका एरिया है और द्रव्यमान इसका एम है, द्रव्यमान इसका क्या है m है। तो यहां पर वही बात लिखी और x सिरे पर ऊंचाई कितनी है h1 है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि x सिरे पर m द्रव्यमान व h1 ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा मेरे पास प्राप्त होती है, ओके। और यहां देखिए और y सिरे पर इसी तरीके से y सिरे पर m द्रव्यमान व h2 ऊंचाई के लिए, h2 ऊंचाई के लिए क्या होगी एम जी एस टू होगी। और यहां पर मैं टोटल स्थितिज ऊर्जा निकालूं, टोटल कितनी होगी मेरे पास, अब यहां देखिए टोटल करने के लिए x सिरे और y सिरे के अंदर अंतर निकालना होगा, तो एम जी एच वन माइनस एच टू, क्योंकि h1 ऊंचाई ज्यादा है h2 ऊंचाई कम है, ये बात आपने इंपॉर्टेंट रखनी है। गतिज ऊर्जा के अंदर अपनी v2 वाले पोर्शन को अलग किया, ओके तो वेग कम होगा तो क्या होगी, द्रव का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर भी ये कंसीडर किया था ये बात को, ओके। अब देखिए अब द्रव की जो हमारे पास इक्वेशन बनी ई, अब इक्वेशन बनी ई, अब इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर। अब देखिए अब यहां पर नेट निकालनी है, नेट कुल ऊर्जा में वृद्धि, अब ऊर्जा में डिफरेंस निकालना है कि यहां पर गतिज व स्थितिज ऊर्जा में डिफरेंस कितना है, कितनी ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो किस तरीके से निकालेंगे। यदि मैं गतिज ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को माइनस कर दूं, यदि मैं गतिज ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को माइनस कर दूं, यानी काइनेटिक ऊर्जा में से और काइनेटिक ऊर्जा में से स्टैटिक ऊर्जा को क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगी, कुल नेट ऊर्जा निकलेगी। तो कीजिए आप v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2, h1 माइनस h2, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, सॉरी यहां पर इक्वेशन नंबर आप लिख दीजिए 1 लिख लीजिए, ओके। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या होती है, 1 प्राप्त होती है। तो यहां पर किसी तरल पदार्थ के दाब में जो वृद्धि है, किसी तरल पदार्थ के दाब में जो वृद्धि है, कुल ऊर्जा की वृद्धि के क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। किसी तरल पदार्थ में दाब में वृद्धि कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। किसी, अब यहां पर देखिए किसी तरल के यानी किसी लिक्विड के तरल के दाब में वृद्धि कुल नेट ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है, ओके। तो बराबर होती, तो हम यहां से मैथमेटिकल रिलेशन क्या लिख सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है मेरे पास, कि जो टोटल एनर्जी होगी, जो यहां पर डायग्राम का कोई आवश्यकता नहीं है अब, ओके, जो टोटल मेरे पास दाब ऊर्जा थी वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो कुल नेट ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से दाब ऊर्जा कितनी है, P1 माइनस P2 m बटे रो इज इक्वल टू हाफ m
V2 माइनस V1 स्क्वायर प्लस mg H1 माइनस H2 अकॉर्डिंग टू रूल ओके। अब यहां पर देखिए आप P1 वाली जो P1H1 जो जिसके आगे 1 लगा है, देखिए P1 को एक साइड लिया मैंने प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर ओके। अब देखिए माइनस का P2 इसको अलग अलग कीजिए आप, इसको सेपरेशन कीजिए, तो सेपरेशन करने पर हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होगा MgH1 माइनस MgH2 ओके। सेपरेशन करेंगे एक साइड के अंदर लेके जाइए 1 वाले पार्ट को, तो यहां पर क्या आएगा हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस ओके MgH1 तो इजिकल टू P2 M बटे रो प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस MgH2 और हमने दोनों को क्या किया पृथक पृथक अलग अलग किया ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले सिरे पर लगा दाब, अब देखिए बड़े ही आराम से देखना है, पहले सिरे पर लगा दाब ओके और दूसरे सिरे पर वही पहले सिरे पर, अब मैं पहले सिरे की बात कर रहा हूं, पहले सिरे पर क्या होगी गतिज ऊर्जा ओके प्लस थर्ड वाले की बात कर रहा हूं, ये कौन सी है स्थितिज ऊर्जा, क्या है स्थितिज ऊर्जा, ये कौन से सिरे की थी पहले की यानी P1 V1 और H1 कहां पर थे P1 V1 H1 एक्स सिरे पर थे ओके। अब सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, सेकंड वाले की बात बड़े ही आराम से देखना आपने, बड़े ही आराम से क्या होगा सेकंड वाले का लगा दाब, सेकंड वाले यानी द्वितीय दूसरे सिरे का प्रेशर फिर स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि यहां से दोनों बराबर हैं यानी एक सिरे पर लगा दाब ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और दूसरे सिरे पर दाब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर हैं, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं हमारी डेफिनेशन क्या थी कि किसी असंपीड्य द्रव के लिए दाब ऊर्जा यदि एक यदि तरल पदार्थ को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाना है तो क्या होगा, यदि धारा रेखीय प्रवाह है तो दाब ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा क्या होती है नियतांक रहती है कांस्टेंट रहती है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि दाब प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच रो या रो लिख दीजिए आप क्या रहता है कांस्टेंट रहता है और यही हमारा क्या है और यही मेरी क्या है बर्नौली प्रमेय है ओके। तो यहां पर क्या होगा हैंस प्रूव्ड और यही क्या है यही बर्नौली प्रमेय है ओके। तो बर्नौली थ्योरम कहते हैं जिसे ओके। तो यहां तक हमने क्या किया बर्नौली प्रमेय को प्रूफ किया, मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन से आपने क्या किया डेरिवेशन को स्टार्ट किया, आपने इसी पैटर्न के साथ करना है एग्जाम के अंदर, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय और मोस्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत लिखिए और इसके बारे में विवेचना कीजिए और इसे सिद्ध भी कीजिए। तो सिद्ध कैसे करना, आपने एक फिगर बनाना है जिसके अंदर एक्स वाई सिरे होंगे, वहां पर दो ऊंचाइयां लेनी है, पहले अपने दाब ऊर्जा कैलकुलेट करनी है फिर स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा टोटल निकालकर नेट ऊर्जा में वृद्धि के बराबर रख देना है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेरिवेशन करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आएगा बराबर आएगा और हम ये कह सकते हैं कि दाब ऊर्जा स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा क्या रहती है नियतांक रहती है कॉन्स्टेंट रहती है ओके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे ओके। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए।